A very good morning to all of you. And this good morning is from Pattaya. जी हाँ, मैं पटाया पहुँच चुकी थी कल रात को ही, और अब आज का दिन थोड़ा लेट शुरू हुआ है. कल हम बहुत थक गए थे, जो ग्रैंड पैलेस और एमरल्ड बुद्धा वहाँ पे दिन में धूप के टाइम गए थे, तो बहुत थकान हो गई थी. यहाँ पे रात तक पहुँचे, डिनर किया और फिर सो गए. और सुबह अलार्म बजता गया हम बंद करते गए, अलार्म बजता गया हम बंद करते गए, पर फिर भी सुबह उठ के तैयार हो गए हैं. और अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद सेंचुरी ऑफ ट्रुथ. सेंचुरी ऑफ ट्रुथ क्या है, कैसी है, ये मैं आपको वहीं पहुंच के बताऊंगी. मेरे होटल से मैं अपनी गाड़ी से जा रही हूं, 30 मिनट्स का रास्ता है, वहां पहुंच के दिखाती हूं, बताती हूं. तो बने रहिए मेरे साथ टिल सेंचुरी ऑफ ट्रुथ और आगे आगे भी जहां जहां मैं जाती हूं. जी तो मैं पहुंच गई हूं पटाया डॉल्फिनोरियम. पटाया डॉल्फिनोरियम, जी हाँ, रिवाइंड मत कीजिए वीडियो को, आपने ठीक सुना है. मैं सेंचुरी ऑफ ट्रुथ जाने वाली थी और अब पहुंच गई हूं पटाया डॉल्फिनोरियम. ये चेंज ऑफ प्लान ना गाड़ी में ही हुआ है, क्योंकि जैसे ही हम सेंचुरी ऑफ ट्रुथ जाने के लिए निकले और शुरू किया हमने सफ़र, तो धूप को देख के हमने रियलाइज़ किया कि जो हाल कल हुआ था गर्मी में धूप में, वही आज हो जाएगा. इसीलिए हमने डिसाइड किया कि पहले डॉल्फिनोरियम चलते हैं रादर देन इवनिंग शो. और कोइंसिडेंटली अभी सुबह सुबह 11 बजे वाला फर्स्ट शो में हमें सीट्स भी मिल गई, टिकट्स मिल गई. यहाँ पे 3 टाइम दिन में शो होता है, तो फर्स्ट शो जो डॉल्फिन और सील शो है वो 11 बजे शुरू होता है. और इसके लिए 3 कैटेगरी ऑफ सीट्स हैं, रेगुलर, डीलक्स एंड वीआईपी. ये जो सेंटर पोडियम है यहाँ पे बिल्कुल नीचे जो फर्स्ट रो है वाइट वाली, ये हैं वीआईपी सीट्स. लेनी मुझे यही थी, पर जब मैंने इनको लेना के लिए बात की तो उन्होंने मुझे साथ साथ रेनकोट के प्राइस भी बता दिए. तो मैंने पूछा रेनकोट क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इन वाली सीट्स पे खूब सारा पानी स्प्लैश होके आएगा. तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं वहाँ से शूटिंग करूँगी तो हमारे सारे गैजेट्स और गियर्स गीले हो जाएंगे. तो फिर मैंने इसीलिए डीलक्स सिटिंग ही प्रेफर करी. तो सीट्स दो लाइंस ऊपर बैठे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एटलीस्ट गैजेट्स गियर्स गीले नहीं हो रहे, हमें वो रेनकोट्स नहीं पहनने पड़ रहे, तो ठीक है. आप देख सकते हैं कि जो लोग वीआईपी लेन में बैठे थे वो पूरी तरह से भीग चुके हैं, उन्होंने रेनकोट्स पहने हुए हैं, और आगे बैठने वाले के लिए बहुत मुश्किल है कि वो भीगे ना, क्योंकि डॉल्फिन जब जंप करते हैं तो बहुत सारा पानी स्प्लैश होता है. डॉल्फिन डांस भी कर रहे हैं. चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे पैकेज है. करंटली प्रमोशनल पैकेज है 2450, 2450 थाई भाट में आप डॉल्फिन के साथ स्विम कर सकते हैं, और अदरवाइज वो पैकेज है 3300 थाई भाट का. और इसी यहीं पे आपको डॉल्फिन के साथ थोड़ी देर स्विम करने का और उन्हें पैट करने का या फोटोग्राफ क्लिक कराने का मौका मिल जाएगा. वहाँ पे सामने वो एक आर्ट, मतलब उनके पास एक बोर्ड है जिस पे वो कलर करा रहे हैं डॉल्फिन से, और डॉल्फिन के मुंह में मार्कर है और वो उसको कलर कर रहे हैं. और बस वो लेके आ रही हैं वो स्लेट जिस पे डॉल्फिन ने कलर किया है, सारे के सारे पोडियम में वो उसको वो सर्कुलेट कर रहे हैं, और बिल्कुल हमारे सामने ठीक पहुँचने वाली है. और ये है वो स्लेट. और दे आर सेइंग कि अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो ये 300 भाट में आप ये स्लेट ले सकते हैं जिसमें डॉल्फिन्स ने अपनी आर्ट दिखाई है. ऑडियंस में से एक बच्चे को उन्होंने वॉलेंटियर बनाया है टू प्ले विद द डॉल्फिन. आप देख सकते हैं कि वो वहाँ पे स्टेज पे पहुँचा हुआ है. Thank you.
मेज़बान बाहर निकल रही हैं, अंदर जा रही हैं, अपनी अपनी टर्न की वेट कर रही हैं। पर पता नहीं क्यों हम ह्यूमन बीइंग्स अपनी टर्न की वेट नहीं करते और सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े में बिलीव करते। वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम एनिमल्स। अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का शो है, 11 बजे शुरू हुआ था, 12 बजने वाले हैं और शो ख़त्म हो चुका है, पर वर्थ वॉचिंग है। एक बार तो देखना चाहिए कि कितनी परफेक्टली डॉल्फिन्स को उन्होंने ट्रेन किया हुआ है और व्हाट अ ब्यूटीफुल शो दे प्रेजेंट। तो अमेरिकन सील और डॉल्फिन का ये शो एक बार ही मस्ट वॉच है। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है अगर आप डीलक्स टिकट लेते हैं तो, सिर्फ सेंटर का पोडियम है, बाकी जो डॉल्फिन और वो सारा शो है वो दिख रहा है रेगुलर सीट से भी। VIP सीट्स का कोई भी 1% भी बेनिफिट नहीं है अनलेस आपको कुछ शूट करना हो, पर शूटिंग भी आप ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते हो क्योंकि पानी गिरता रहता है। जैसे ही डॉल्फिन शो प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं काफ़ी सारा पानी वहाँ पे स्प्लैश होता है। प्रॉब्लम तब आएगी कि जब आपने एक बहुत ज़्यादा क्राउडेड वाला शो का टाइम लिया, जैसे इवनिंग टाइम जो है मेरे को उन्होंने बताया था सबसे ज़्यादा क्राउड होता है, तो 11 o'clock में कम होता है क्राउड। तो अगर आपने 11 o'clock का शो लिया और आपने रेगुलर सीट्स भी बुक कराई हैं तो आपको कोई इतना मेजर इशू नहीं होगा। जब हम शो इन्जॉय करने आते हैं तो हम इतनी ज़्यादा फोटोग्राफी से ज़्यादा हम शो में ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छी तरह से। बट एक है कि अंदर AC तो नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एनिमल्स का शो है, तो उस सब के लिए थोड़ा सा गर्मी से प्रिपेयर होके रहिएगा। बाकी अच्छा शो है ओवरऑल। आप अगर फैमिली के साथ बैंकॉक ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये एक ज़रूर विज़िट कीजिएगा। फुकेट से ज़्यादा अच्छा शो मेरे को यहाँ का लगा। काफ़ी ज़्यादा डॉल्फिन्स की अलग अलग एक्टिविटीज़ इन्होंने करके हमको दिखाई हैं। फुकेट में थोड़ा सा लिमिटेड था, इतना ज़्यादा डॉल्फिन शो नहीं था वहाँ पे। तो जैसे ही इन्होंने एंड में कहा कि वी आर द बेस्ट शो डॉल्फिन शो इन एशिया, तो एक्चुअली इनका काफ़ी अच्छा शो मेरे को लगा और मज़ा भी आया। और यहाँ पर ये मेरे ठीक पीछे बना हुआ है लोमा कैफ़े, ये डॉल्फिनोरियम के अंदर ही बना हुआ है और ये पूरा का पूरा एरिया आप यहाँ बैठ के, जब तक आपकी टिकट का टाइम मतलब आपके शो का टाइम नहीं है, आप यहाँ बैठ के इसको यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं, अपनी टर्न की वेट कर सकते हैं अगर आप टाइम से पहले आ गए हैं तो। और कैफ़े भी काफ़ी ब्यूटीफुल बना हुआ है, अच्छे यहाँ पर ड्रिंक्स स्नैक्स ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो मैं पहुँच चुकी हूँ सेंचुरी ऑफ ट्रुथ पटाया। सेंचुरी ऑफ ट्रुथ ये एक मिक्स है कैसल और टेंपल का। इसको बनाया है ले विरियापन बिजनेसमैन ने। ये 1981 में बनना शुरू हुआ था और अभी तक भी ये इनकम्प्लीट है, पर फिर भी टूरिस्ट के लिए इसको खोल दिया गया है। ये एक कम्प्लीटली वुडन वुड से बना हुआ कैसल और टेंपल है, ये दोनों का मिक्सचर है। और इसके बिल्कुल बैकड्रॉप पे है गल्फ ऑफ थाईलैंड। जो मेन डेटी है जिसके लिए ये जिसको यहाँ पे डेडिकेशन दी गई है वो है लॉर्ड ब्रह्मा। सबसे ऊपर जो स्टैचू बनाया गया है वो है लॉर्ड ब्रह्मा का। उनके 4 फेसेस दिखाए गए हैं और उसी को रिप्रेजेंट करते हैं के लिए यहाँ पे एक इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि लाइफ के जो 5 फॉर्म्स हैं, वाटर अर्थ फायर, ये जो 4 फॉर्म्स हैं ये प्लस द रोल्स ऑफ जो कल्चर का रोल है, जो भगवान का रोल है हमारी ज़िंदगी में, उन दोनों को मिक्स करके किस तरह से एक ह्यूमन लाइफ हम जीते हैं, उसमें बुद्धिज़्म की टीचिंग्स, उसमें हिंदुइज़्म की टीचिंग्स, ये सब चीज़ों के पिक्चराइजेशन डिपिक्शन वुडन कार्विंग वाली स्टैचूज़ के थ्रू, एनिमल्स प्लांट्स हर चीज़ वुड से बनी हुई है यहाँ पर। तो अंदर सेंचुरी ऑफ ट्रुथ इसमें बनी हुई है। और मैं पहुंच चुकी हूं सेंचुरी ऑफ ट्रुथ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है वो वुडन टेंपल जिसकी मैंने आपसे बात की थी। ये टेंपल है या कैसल है ये तो हमें वहीं जाके पता लगेगा, पर ये एक हाइब्रिड है टेंपल और कैसल दोनों का। यहाँ पे 4:10 पे लास्ट शो होता है तो मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पे हमारा शो स्टार्ट हो चुका है क्योंकि हम क्योंकि ये बिल्डिंग अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसीलिए हमको दिए गए हैं सेफ्टी हेलमेट्स। और ये है हमारी गाइड एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय सम ऑफ द एंशिएंट रॉयल्टी पैलेस कॉल्ड प्रतिनंग सनफेट महाप्रसाद। सो दैट्स व्हाई इफ यू लुक एट इट इट्स लाइक अ कैसल लाइक अ पैलेस बट
not a temple. I repeat, it's not a temple. It's only a contemporary art, just a museum. It is inspired by many... और ये इन्होंने बताया है कि ये टेंपल नहीं है, जैसा कि सब जगह लिखा है. It is just a palace which shows contemporary art. और यहाँ पे किंग रामा 9 की टीचिंग्स और डिपिक्शंस दी गई है फ्रॉम ये यहाँ पे एक रेस्टोरेंट एरिया बना हुआ है जहाँ पे आप फ्रूट्स ड्रिंक्स कुछ भी ले सकते हैं, टॉयलेट्स यूज़ कर सकते हैं. और अब हम यहाँ से चले हैं अपने टूर पे टू द सेंचुरी ऑफ ट्रुथ. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये यहाँ के एक बिजनेसमैन है, लेक विरियाप्पन, उनकी क्रिएशन है और अभी भी इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन चल रही है. तो आपको मेरे पीछे दिख सकती है ये कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है ऑलरेडी. और यहाँ पे हमारा ये मिथ जो कि जगह जगह लोगों ने लिखा हुआ है और लोग बिलीव करते हैं, इट इज़ नॉट अ टेम्पल, इट इज़ जस्ट अ म्यूज़ियम शोइंग कंटेम्प्रेरी आर्ट. इसका नाम सेंचुरी ऑफ ट्रुथ क्यों है उसकी डिपिक्शन इन्होंने अभी हमें समझाई है. यहाँ पे मेरे पीछे आप देखेंगे कम्प्लीटली रामायण की डिपिक्शंस थ्रू कंटेम्प्रेरी आर्ट की गई है. और जिस तरह से रामायण में है कि एवरी सोसाइटी हैज़ गुड एंड ईविल, बैड बोथ, एंड एट द एंड इट इज़ द गुड दैट विंस, इट इज़ द ट्रूथ दैट विंस. तो ये सारी की सारी जितनी भी है यहाँ पे रामायण की डिपिक्शन दी गई है. ये सारा रामायण का डिपिक्शन है ये सारा. और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट्स भी इन्होंने लगाई हुई हैं. और ये लाइट्स इसलिए लगाई हुई हैं क्योंकि फ्यूचर में वो लोग ये प्लान कर रहे हैं कि नाइट में भी ये म्यूज़ियम खुला रहेगा. और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मेरे पीछे ये जितना भी पानी आपको दिख रहा है ना, मैं भी उधर जाके आपको दिखाऊंगी, ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड. ये आर्टवर्क देख के किसी भी तरह से अमेजमेंट और अम्यूज़मेंट दो अलग अलग शब्द होते हैं, दोनों की फीलिंग्स अलग होती हैं. और यहाँ पे इस आर्टवर्क को देख के, और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ब्रह्मा का, ये यहाँ पे देख ले सकते हैं आप. दिस इज़ द हेड ऑफ ब्रह्मा जो सबसे अटॉप है इस बिल्डिंग के. और इस बिल्डिंग की जितनी भी कार्विंग है इट इज़ कम्प्लीटली डन बाई हैंड. यहाँ पे अगर मैकेनिकल चीज़ को यूज़ हो रही है तो दैट इज़ ओनली लिफ्ट. उसके अलावा जो इतनी भी कार्विंग है सब कुछ हाथ से किया जा रहा है वर्क. और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है जहाँ पे बेसिक डिपिक्शन हुई हुई है गॉड ऑफ विंड. ये है गॉड ऑफ विंड मेरे बिल्कुल ठीक पीछे. और ये है गॉड ऑफ अर्थ, ये है गॉड ऑफ वाटर, और ये है गॉड ऑफ फायर. तो लाइफ की यूटोपिया के बारे में यहाँ पे मेजर डिपिक्शन है. यहाँ पे लाइफ का जो ट्रूथ है जिसको हम भूल गए हैं उसकी एम्बार्केशन हमारे अंदर दोबारा हो सके, हम उसको जी सके, हम उसको समझ सके, ज़िंदगी को वापस से, ज़िंदगी में क्या सच थे, क्या हम टेक्नोलॉजी के और लाइफ के प्रोग्रेस में हम क्या छोड़ आए हैं पीछे, वो सब सच हमें याद आ जाए वापस से. उसी के लिए ये सेंचुरी ऑफ ट्रुथ बनाया गया है कि ज़िंदगी के सच से हम एक बार फिर से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ सकें.